हम लोग पढ़ रहे थे प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा. जितने कम एरिया पे एक्ट करेगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा. प्रेशर की यूनिट पास्कल है एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैं बताऊंगा स्केलर क्यों है, हालांकि इसकी डायरेक्शन होती है. अभी मैंने बताया नहीं है, बताऊंगा इंशाल्लाह. अच्छा, देन वी डिस्कस सॉलिड का जो प्रेशर होता है इट इज ड्यू टू देयर वेट. ओके, और सॉलिड कब प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करता है? जब उसका वेट कम एरिया के थ्रू एक्ट करेगा. अगर मैं लेटा हुआ हूँ जमीन के ऊपर तो मैं कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ. अगर मैं खड़ा हुआ तो मैं ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्ट एरिया जमीन से कम है. और अगर मैं एक पांव भी खड़ा हूं तो और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ. तो बेटा फिर देन वी डिस्कस प्रेशर इन फ्लूइड्स. फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, रेंडमली मूव कर रहे होते हैं. तो जब भी आप किसी बॉडी को फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बम्बार्ड करते हैं, और जब मॉलिक्यूल बम्बार्ड करते हैं दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया विच इज प्रेशर. तो फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स, फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूलर बम्बार्डमेंट्स. लिक्विड्स ही फ्लूइड्स हैं, गैसेस ही फ्लूइड्स हैं. तो फिर हमने बात की कि फ्लूइड फ्लो करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टिल इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम देयर इज सेम प्रेशर एट द सेम लेवल. याद है आपको? एंड फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ओनली व्हेन देयर इज प्रेशर डिफरेंस. ये तो कॉमन पॉइंट थे ना लिक्विड और गैसेस के. देन वी डिस्कस प्रेशर इन लिक्विड्स. रो जी एच फॉर्मूला सिर्फ लिक्विड पे लगता है, गैसेस पे नहीं लगता. अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं. लिक्विड्स का प्रेशर पढ़ लिया था, आज का काम है गैसेस का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हेडिंग लिखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर इन गैसेस भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जी जनाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हेडिंग लिखिए. ओके बेटा, सपोज ये अर्थ है, अर्थ, दिस इज अर्थ, और ये इसके अराउंड एटमॉस्फेयर है, एयर, हवा का समंदर, सी ऑफ एयर है ना. हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर है ना, एयर का समंदर है. हम कहां रहते हैं? बॉटम पे, यहां पे रहते हैं जनाब हम. ये आप रहते हैं, ये मैं रहता हूं, हम यहां पे रहते हैं, बॉटम पे रहते हैं, हवा के समंदर की सी बेड पे रहते हैं. ह्यूज प्रेशर ऑन अस. एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड करते हैं, हम पे ह्यूज प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. आप कहेंगे सर हमें तो फील ही नहीं होता. बेटा इसलिए फील नहीं होता कि जितना बाहर का प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर है, हम एयर अंदर लेके जाते हैं ना, हमारी आर्टरीज में वेन में ब्लड फ्लो करता है ना. तो आउटवर्ड प्रेशर जो ब्लड का या एयर का है, और जो इनवर्ड प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, वो बैलेंस्ड है. प्रेशर डिफरेंस नहीं है, फोर्स ही लग रही. फोर्स नहीं लग रही. क्यों नहीं लग रही बेटा? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है. याद है आपको क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट? क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया था? कि बहुत ज्यादा ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. क्या था क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट? कि आप ये कैन लें, मैंने आपको बताया था, एक कैन घी का डब्बा ले लें, पेप्सी का, सेवन अप का, किसी का भी कैन ले लें, इसको इसके अंदर पानी भरे थोड़ा सा. अच्छा अभी क्या है? अभी ओपन है ये, ओपन. तो जितना बाहर प्रेशर है उतना ही अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है. नो प्रेशर डिफरेंस, नो प्रेशर डिफरेंस, नो फोर्स ऑन द वॉल्स है ही नहीं, बैलेंस हो रही है, जीरो फोर्स लग रही है. अच्छा अब क्या किया था हमने? हमने एक बर्नर रखा, बर्नर, वी प्लेस्ड अ बर्नर हियर, बर्नर, बर्नर प्लेस किया. बर्नर क्या करेगा? ये वॉटर है ना, थोड़ी देर में वॉटर विल स्टार्ट टू बॉयल और स्टीम निकलेगी. स्टीम क्या करेगी? अंदर की एयर को बाहर भेज देगी, भेज देगी ना. स्टीम आ जाएगी, एयर निकल जाएगी. स्टीम भी तो गैस है यार. तो स्टीम क्या करेगी? रिप्लेस कर लेगी एयर को. तो अब इसके अंदर से स्टीम निकल रही है, और यहां भी क्या है? स्टीम. फिर मैंने आपको बताया था जब स्टीम निकल रही है तो उसके ऊपर क्या करें? इसके ऊपर टाइट का लिड लगा दें, बंद कर दें इसको, टाइट लिड, लिड लगा दिया, एयर टाइट लगा दिया लिड. अभी इसके अंदर स्टीम है, बाहर भी एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं, अंदर स्टीम के मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं. नो प्रेशर डिफरेंस, नो फोर्स. अब मैंने कहा इसके ऊपर क्या करें? बर्नर बंद कर दें,
बर्नर को ऑफ कर दें और उसके कोल्ड वाटर डालें, कोल्ड ठंडा पानी डालना है। अब देखिएगा यूट्यूब पे देखिएगा, ये कोल्ड वाटर डालें तो जैसे जैसे कोल्ड वाटर डालेंगे ये क्रम्पल हो जाएगा, ऐसे लगेगा इस पर एलिफेंट बैठ गया इसके ऊपर, यूं साइडों से भी दब जाएगा, किसी ने यूं उसको कर दिया है। पेप्सी के कैन को यूं जोर से पकड़े ना, गुस्से में पकड़ के जब आप करते हैं ऐसे साइडों से भी ऊपर से, तो क्या होगा ये बिल्कुल क्रम्पल हो जाएगा। क्यों हो रहा है क्रम्पल? रीजन, जब ठंडा पानी डालेंगे तो अंदर की स्टीम, ये जो स्टीम थी ये क्या बन जाएगी, कंडेंस होके पानी बन जाएगी, स्टीम विल कंडेंस और वाटर बन जाएगी। अब क्या होगा, अंदर लेस स्टीम रह जाएगी, लेस वेपर्स रह जाएंगे, लेस गैस रह जाएगी, लेस मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, लेस प्रेशर। तो क्या होगा, जब पानी डालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा। भाई स्टीम थी ना, स्टीम पानी बन गई, अंदर का प्रेशर लो हो गया, तो उससे क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस पैदा हो गया ना, बाहर ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर कम प्रेशर, इस प्रेशर डिफरेंस से क्या होगा, ये क्रम्पल हो जाएगा। तो बेटा क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है मैग्डीबर्ग एक्सपेरिमेंट। मैग्डीबर्ग एक्सपेरिमेंट पता क्या था, ये मैं ये प्रूफ कर रहा हूं, अपना भी लिखे तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे अराउंड ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें फील नहीं होता ना, क्योंकि हमारे अंदर और बाहर, हमारे आउटसाइड प्रेशर और हमारे इनसाइड प्रेशर इक्वल है, तो हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे फोर्स नहीं आ रही। जब आप जाते हो ऊपर मरी वगैरह जाते हो, ज्यादा हाइट पे जाते हो, तो कान बंद होती है ना, क्यों, आउटसाइड प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन इनसाइड प्रेशर बाहर को जोर लगाता है, तो कान बाहर की तरफ पुश होती है, हमें लगता है कान बंद हो गए प्रेशर डिफरेंस की वजह से। बहुत हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, बहुत हाइट पे जाएंगे तो अंदर से क्या होती है, हमारी जो वेन है, आर्टरीज है, बर्स्ट हो सकती है, कान से नाक से खून आ सकता है, क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा है, आउटवर्ड प्रेशर, इनवर्ड प्रेशर कम है। तो बेटा एक एक्सपेरिमेंट था मैग्डीबर्ग एक्सपेरिमेंट, क्या था, जस्ट फॉर नॉलेज, उसने दो हेमिसफियर्स ली, कप नहीं होते, कप हेमिसफियर्स, ऑलमोस्ट इस साइज के, इस साइज के, वन मीटर से कम थोड़ा, ये हेमिसफियर एक हेमिसफियर है, कप लाइक है यूं गोल, और एक और हेमिसफियर, हेमिसफियर होता हाफ द सफियर, हेमिसफियर, ये दो सफियर्स ली, अच्छा एक में यहां पे होल है, ये दो सफियर्स हैं, दो कप नहीं होते जैसे चाय पीने वाले प्याले, कप, बॉल्स होते हैं, उनको यूं जोड़ दिया जाए, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता आधा सफियर, नॉन एसेंडिंग, इनको साथ जोड़ा, साथ जोड़ा, और इसके अंदर से एयर को पंप आउट किया, एयर को इनको साथ जोड़ दिया, साथ जोड़ के रखा, साथ वो ग्रीस सील कर दिया, सील कर दिया रबड़ का रिंग लगा के सील किया, और यहां से एयर को रिमूव किया, एयर इज रिमूव्ड, जितने भी कर सके, 100% तो नहीं कर सकते, एयर को रिमूव किया, जब एयर को रिमूव किया तो ये टाइट बंद हो गया, क्यों बंद हुआ बताओ, जब एयर को रिमूव करेंगे तो क्यों बंद हो जाएगा, अब ये हेमिस्फीयर ये बन गया है एक बॉल की तरह, और ये टाइट बंद हो गया है, क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या है, ह्यूज प्रेशर, ह्यूज प्रेशर, ह्यूज, अंदर क्या है, ना होने के बराबर प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस आ गया ना, अंदर की एयर को निकाल दिया, अंदर तो है ही नहीं एयर, ये बहुत ही कम है, लेस मॉलिक्यूल्स, लेस कोलिजन, लेस प्रेशर, और बाहर की एयर में इसके प्रेशर से इसको बंद कर दिया जोर से, अब बहुत ताकतवर बंदे आए जिसको अलग करने के लिए नहीं कर पाए, बड़ा जोर लगाया जी, और दो दो बंदे, तीन तीन बंदे, उन्होंने कहा जी हॉर्सेस मंगवाते हैं, हॉर्सेस, एक घोड़े, यहां पे हुक है, यहां भी हॉर्स ने पुल किया, यहां भी हॉर्स ने पुल किया, नहीं नहीं अलग हुआ, दो हॉर्सेस, तीन हॉर्सेस, 16 हॉर्सेस मंगवाए, तब जाके अलग हुआ, यू नो इतना ज्यादा ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पता कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100,000 पास्कल्स, क्या मतलब है इसका, 100,000 न्यूटन्स फोर्स लग रही है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, अगर अंदर वैक्यूम हो ना, अंदर वैक्यूम हो और इसका सरफेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस पर कितनी फोर्स लग रही है, 100,000 न्यूटन फोर्स, 100,000 मतलब 10,000 kg अगर मैस हो,
10,000 केजी अगर मास हो तो उसका वेट कितना होगा 100,000 न्यूटन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, 100,000 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट ये लिखिए, ये भी मैंने पहले बताया हुआ आपको, मैग्डीबर्ग एक्सपेरिमेंट जस्ट वैसे बताया आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लिखना है वो लिखिए, लिखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिखिए, वी आर लिविंग लिखो प्लीज, वी आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी ऑफ एयर, वी आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी ऑफ एयर, वी आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी ऑफ एयर, therefore we experience, we are living at the bottom of sea of air, therefore we experience huge atmospheric pressure, therefore we experience huge atmospheric pressure due to bombardment of air molecules. We are living at the bottom of sea of air, therefore we experience huge atmospheric pressure due to bombardments of air molecules. Full stop. Atmospheric pressure is almost, atmospheric pressure, मैं डिक्टेट करा रहा हूं आपको, प्लीज लिखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलमोस्ट 100,000 pascals अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, ऑलमोस्ट 100,000 pascals एट द सी लेवल। जो बच्चे पीछे रह गए हैं सुन लें, मैंने क्या बोला है, वी आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी ऑफ एयर, देयरफॉर वी एक्सपीरियंस ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलमोस्ट 100,000 pascals। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखिए, वी कैन नॉट यूज द रिलेशन P is equal to rho GH. We cannot use the relation P is equal to rho GH We cannot use the relation P is equal to rho GH to find out atmospheric pressure. To find out atmospheric pressure, we cannot use the relation P is equal to rho GH to find out atmospheric pressure. इसकी तीन reasons हैं। हम ये formula क्यों नहीं use कर सकते? Number one, ये formula वहां पे लगता है जब fluid की density uniform हो, air compressible है, उसकी density uniform नहीं है, पानी almost incompressible होता है, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है लेकिन मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं लिक्विड्स के, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, तो उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, उन पे ये लग सकता है। लेकिन गैसेस कंप्रेसिबल होती है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में लार्ज स्पेसिंग होती है एज कंपेयर टू देयर साइजेस, सो गैसेस आर कंप्रेसिबल, देयर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। पता है आपको, नीचे मोर डेंस एयर होती है, यहां की जो एयर होगी वो ज्यादा डेंस होगी, लेस डेंस, तो एयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो आपने क्या लिखा है, वी कैन नॉट यूज द रिलेशन P इज इक्वल टू रो जी एच टू फाइंड आउट टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज, इसके पहले रीजन क्या है, एज नंबर वन डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट यूनिफॉर्म। सर दानियल का एक क्वेश्चन था, इन्होंने बता दिया, लेकिन एक वो क्वेश्चन अब किया, या पूछ रहे हैं सर, ऑक्सीजन तो सांस लेने के लिए है, एंड उसे क्या फर्क पड़ेगा बॉडी के अंदर अगर प्रेशर ज्यादा है और बाहर का।
पहले पूछा वाला वो बता दें जी बेटा, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम पूरी एयर अंदर करते हैं, ऑक्सीजन उसमें से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, हमारे अंदर खाली ऑक्सीजन ही जाती फिल्टर होके, हमारे अंदर नाइट्रोजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, अंदर सारी एयर जाती है जो मिक्सचर ऑफ एयर फिर रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन यूज होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और वो यूज होती है, बाकी हम एक्सहेल कर देते हैं, सारी ऑक्सीजन भी यूज नहीं होती, कुछ यूज होती है बाहर आ जाती है। तो जब एयर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएगी, चाहे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन जो भी हमारे अंदर जा रही है, बम्बार्ड तो करती है ना हमारे सांस की नालियों में इधर उधर लंग्स में, करती होगी कि नहीं करती होगी, बम्बार्डमेंट रैंडम मूवमेंट है तो प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो आउटसाइड प्रेशर भी है और इनसाइड प्रेशर भी है, और हमारी वेन्स और आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी तो कोलाइड करता होगा, पाइप्स की तरह है ना, तो मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है बेटा। सो हमारे इनसाइड भी प्रेशर है, आउटसाइड भी प्रेशर है, बैलेंस इसलिए भी फील नहीं होता, प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो फोर्स ही लग रही। यहां भी क्या है, अब बेटा इस पे आओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू कैन नॉट यूज दिस रिलेशन टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज एयर इज कंप्रेसिबल, दैट इज एयर इज कंप्रेसिबल, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। नंबर टू रीजन क्या है, हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते टू फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर टू रीजन ये है कि जो जी की वैल्यू है ना, जी की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन पर केजी, जी की वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर केजी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, अपनी सर्फेस के ऊपर एक केजी मास को 10 न्यूटन से पुल करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सर्फेस के ऊपर 10 न्यूटन पर केजी है बेटा। जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो अर्थ की पुल कम होती जाएगी ना, तो जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, द वैल्यू जी डजंट स्टे कॉन्स्टेंट एज यू मूव मोर ग्रेटर हाइट, थोड़ी बहुत ही हाइट तक तो कॉन्स्टेंट है, ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन अगर ज्यादा हाइट तक चले जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज कंसिडरेबली, तो द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कॉन्स्टेंट, वैल्यू ऑफ जी सरफेस के करीब तो 10 है, बहुत ऊपर जाएंगे तो अर्थ की अट्रैक्शन कम होती जाएगी, 10 न्यूटन पर केजी का क्या मतलब है, अर्थ एक केजी मास को 10 न्यूटन से पुल करती है, ये मतलब है ना इसका, तो जब आप दूर चले जाएंगे तो अर्थ एक केजी मास को 10 से नहीं, मे बी 9 न्यूटन से पुल करे, मे बी 8 न्यूटन से पुल करे, मे बी 2 न्यूटन से पुल करे, सुन रहे आप, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, डेंसिटी भी पुत्र कॉन्स्टेंट नहीं है, जी की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो वैल्यू जी इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला तब लगता। पानी के अंदर आप मूव कर रहे होते हैं ना, पानी में 1-2 किलोमीटर तक जाने में भी हम कहते हैं जी कॉन्स्टेंट है, पानी की कितनी हाइट होगी, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, तो पानी के अंदर जाने में हम इतनी हाइट मूव नहीं कर रहे कि जी चेंज हो जाए, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते टू फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, की रीजन बता रहा हूं, डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट कॉन्स्टेंट, एयर कंप्रेसिबल है, एयर में लार्ज स्पेसिंग है एज कंपेयर टू इट्स साइज, एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। नंबर टू, जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है। नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, एच डेप्थ, ये जो हाइट है, अब आप मुझे सोच के बताओ, एयर का गैसेस का फिक्स वॉल्यूम होता है, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैसेस का वॉल्यूम है, ना इसकी शेप फिक्स है गैस की, ना इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या यहां पे एग्जैक्ट बाउंड्री होगी कि यहां पे वैक्यूम है, स्पेस है, और यहां पे एयर है, यहां पे एग्जैक्ट बाउंड्री आप सोच सकते हैं पॉसिबल है, एक लाइन लगी होगी जिससे पानी की सरफेस होती है, यहां तक पानी है ऊपर नहीं है, बेटा ये सीन नहीं है एयर के केस में, एयर और वैक्यूम के दरमियान कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, ये चेंज होती रहती है ऊपर नीचे क्लाउड्स की तरह, ज्यादा कम, तो हमें वैल्यू ऑफ एच पता ही नहीं चल सकती कि कहां पे एयर खत्म हुई, कहां पे वैक्यूम शुरू हो गई, कभी ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी, देयर इज नो एग्जैक्ट बाउंड्री बिटवीन एयर एंड स्पेस एंड वैक्यूम, एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है यहां पे, तो वैल्यू ऑफ एच इज नॉट नोन, हमें पता ही नहीं है कि एच की वैल्यू कितनी है, कि हमारे ऊपर हम जो हवा के समंदर की बॉटम पर है तो हमें नहीं पता कि हमारी गहराई एच कितना है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एच, हमें एच की वैल्यू नहीं पता, द वैल्यू ऑफ एच इज नॉट एग्जैक्टली नोन, एच वैल्यू ऑफ एच नॉट नोन, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री,
हाँ जी बेटा, सो आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो मैं जब कहूंगा ना आप क्वेश्चंस करें तो उस वक्त कीजिएगा प्लीज, अभी जरा कमेंट्स हम बंद कर देते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज लेक्चर के बाद नोट डाउन करते रहे, और आपस से बोल रहे हैं आप लोग और सुन नहीं रहे लेक्चर। अच्छा बेटा, सो ऑल ऑफ यू प्लीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, दोबारा से टॉपिक क्या है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी ऑफ एयर, एक बात, तो हमें एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल आर रिजल्टिंग ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम पे ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फील कितना है 100,000 पास्कल ऑलमोस्ट, फील क्यों नहीं होता, इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर बैलेंस्ड है, नो फोर्स, फोर्स ही नहीं लग रही, फोर्स लगती तो फील होता ना, क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट से पता चल सकता है बहुत सारी फोर्स है, मैग्डीबर्ग एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया बहुत सारी फोर्स है। अच्छा फिर मैंने आपको बताया कि वी कैन नॉट यूज पी इज इक्वल टू रो जी एच फॉर्मूला टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रीजन क्या है पुत्र इसकी, इसकी रीजन ये है कि डेंसिटी ऑफ एयर कॉन्स्टेंट नहीं है, जी की वैल्यू कभी ऊपर जाते कम होती रहती है, हाइट की वैल्यू भी एक्जैक्टली नहीं पता, और ये भी कॉन्स्टेंट नहीं, कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है, क्योंकि एयर और स्पेस पे देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री, गेट इट। नेक्स्ट बात, तो कैसे पता चला पुत्र कि 100,000 पास्कल है, फॉर्मूला ही नहीं लगता, तो हमें कैसे मालूम हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है सी लेवल पे जी, ख्वाब में तो नहीं आया ना, तो बेटा हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया, तो हम एक अपरेटस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है, मर्करी बैरोमीटर, लिख रहा हूं मैं, वी यूज, लिखे, वी यूज मर्करी बैरोमीटर, बी ए आर ओ, आप ये चीजें पढ़ी हुई हैं O3 में O2 में, बेटा रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से, जी मर्करी HG बैरोमीटर, हेडिंग लिख ले प्लीज, वी यूज मर्करी बैरोमीटर टू फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी यूज मर्करी बैरोमीटर, कैसा होता है, एक मर्करी ट्रे होती है, रिजर्वायर होता है, मर्करी रिजर्वायर, HG ट्रे है चले, या इसको रिजर्वायर भी कहते हैं, इसके अंदर एक ट्यूब होती है, यूं करके यहां भी मर्करी होता है, इसके अंदर भी क्या है मर्करी, बेटा बैरोमीटर ऐसा होता है, ठीक है, यहां पे भी मर्करी, यहां पे भी मर्करी, यहां पे ऑलमोस्ट मर्करी वेपर या वैक्यूम समझ लें, वैक्यूम नहीं होती, मर्करी वेपर्स होते हैं थोड़े बहुत, हमने सारी एयर निकाल दी थी, यहां पे ऑलमोस्ट क्या होती है, ऑलमोस्ट लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट वैक्यूम, ये मर्करी बैरोमीटर है। अब इसको समझाना है मैंने आपको, आज के लेक्चर में यही मेन टॉपिक है, मर्करी बैरोमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम एटमॉस्फेयर के लिए और क्या है, तो बेटा अभी जरा लिखना छोड़ दे, पहले मेरी बात सुन ले, मर्करी बैरोमीटर डायग्राम साइड पे बना ली है, अभी जो मैं लिखूंगा वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें, एक दूसरे से बातें नहीं करें, अपनी और एप्लीकेशन प्लीज बंद कर दें, सिर्फ यहां पे कॉन्सेंट्रेट करें जी बेटा, सपोज लिसन प्लीज, सपोज ये एक मर्करी रिजर्वायर है HD, और यहां पे लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब जी जनाब, नीचे मर्करी है और एक लॉन्ग ट्यूब है इन्वर्टेड, अच्छा इसमें ना ओपनिंग है, सपोज ओपनिंग है, यहां पे खुली है, यहां पे देयर इज एन ओपनिंग, होती नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, प्लीज प्लीज पे अटेंशन, हाँ भाई, अब यहां भी मर्करी है, ट्यूब के अंदर एयर है, यहां एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं, इसके अंदर भी एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं, यहां भी एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं, हर जगह पे एयर है, अभी इसके अंदर एयर है, तो बेटा एक पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सी पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, भाई एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं ना, ट्यूब के अंदर भी एयर है, यहां पे एयर है, अभी यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, तो एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, सेम लेवल इक्विलिब्रियम, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम देयर इज सेम लेवल
there is same pressure at the same level within the same fluid. यहां भी मरकरी, यहां भी मरकरी, यहां भी मरकरी, तीनों पॉइंट पे सेम प्रेशर है. बात मानते हैं? अब मैंने क्या किया, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग वैक्यूम पंप लगाया. दोबारा बना रहा हूं, आपने ये डायग्राम नहीं बनानी अभी, डोंट मेक, सुन लो प्लीज, ये वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं. यहां पे मैंने क्या लगा दिया, स्ट्रॉन्ग वैक्यूम पंप. बेटा आज तक इतना स्ट्रॉन्ग वैक्यूम पंप नहीं बना जो 100% वैक्यूम कर दे, लेकिन आप मान लें हमने बना लिया. इतना स्ट्रॉन्ग वैक्यूम पंप है जिससे सारी एयर निकाल दी अंदर से, इसके अंदर एयर निकाल दी, एयर को रिमूव कर दिया, पुल आउट कर दिया. अब क्या है, दोबारा देखिए, ए पॉइंट पे एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रही है, सी पॉइंट पे एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रही है, यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, और यहां पे नो एयर. तो ए और सी पे तो सेम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर है, ना होने के बराबर, नो एयर तो बिल्कुल नहीं है. चलिए मैं लिख देता हूं, लो प्रेशर है. ट्यूब के अंदर से एयर निकाल दी ना, लेस एयर, लेस मॉलिक्यूल, लेस बम्बार्डमेंट, लेस प्रेशर, एयर जो निकाल दी. अब क्या होगा, सुनिए जरा वहां से, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ट्यूब के अंदर क्या है, लो प्रेशर, बाहर के मुकाबले में, बाहर इज ह्यूज प्रेशर, बाहर ज्यादा प्रेशर है, अंदर कम प्रेशर है, ट्यूब के अंदर कम प्रेशर है. तो फ्लूइड कम फ्लो करते हैं, हाई टू लो. स्ट्रॉ, कोल्ड ड्रिंक कैसे लेते हैं आप, जब आप कोल्ड ड्रिंक यूज, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, तो स्ट्रॉ में एयर को अपने अंदर पुल करते हैं ना, जब एयर को पुल करते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर क्या हो जाता है, लो प्रेशर. बाहर क्या है, ह्यूज प्रेशर. तो कोल्ड ड्रिंक राइज करता है ना, हाई टू लो. तो यहां पर भी वही होगा, इस ट्यूब के अंदर मरकरी आएगा. क्यों आएगा, अंदर लो प्रेशर है, बाहर कौन सा प्रेशर है, हाई. ए पे और सी पे हाई प्रेशर है, बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है मिडल में बेटा, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे लो प्रेशर है. फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में राइज करती है लो प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस को खत्म करने की वजह से, इसलिए यहां पर मरकरी राइज करेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से. तो क्या होगा, ये ऊपर आ रहा है मरकरी, फ्लो कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम नहीं है. जब तक फ्लो होता रहेगा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा. अच्छा, और ऊपर आया मरकरी, और ऊपर आया, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, यहां तक पहुंचा, बस स्टॉप लग गया, मरकरी एक्स लेवल तक पहुंच गया. बेटा आपने वैक्यूम कर दिया 100%, मरकरी रीचेस टू लेवल एक्स एंड देन स्टॉप्स, स्टॉप्स फ्लोइंग, फ्लो स्टॉप हो गया. क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम आ गया पुत्र. भाई अगर इक्विलिब्रियम ना होता, अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो फ्लो होता रहता ना, फ्लो हैज बीन स्टॉप्ड. क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम आ गया है. क्या पढ़ा था आपने, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, देयर इज सेम प्रेशर एट द सेम लेवल विद इन द सेम फ्लूइड इन ऑल द डायरेक्शंस. आपको मैंने लिखवाया था नोट्स के अंदर. तो अब आपको पता है इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है. तो अब क्या है, ए का लेवल और बी का लेवल और सी का लेवल सेम है, तो मैं कह सकता हूं ना, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. ए और बी सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है, सेम लिक्विड है, इक्विलिब्रियम है. फ्लो रुक गया ना पुत्र, जितना मरकरी ने राइज करना था कर गया, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम आ गया. तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. सोचिए, समझ में आ जाएगा. आई टोल्ड यू फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टिल इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम देयर इज सेम प्रेशर एट द सेम लेवल. पता ना आपको, तो हो क्या रहा है, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. मानते हैं, ओके. ए पे किस चीज का प्रेशर है, ए पॉइंट ये है, ए के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ये कौन सा प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सर के अंदर ग्लास ट्यूब ब्रेक, हाँ जी, ग्लास ट्यूब ब्रेक हो सकती है, अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ब्रेक नहीं हो रही. हाँ जी, ऑल ऑफ यू प्लीज. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए पे किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. बी पे किस चीज का प्रेशर है, बी के ऊपर तो ये हाइट है ना, मरकरी कॉलम की हाइट, बी पॉइंट तो मरकरी के अंदर है ना, उसके ऊपर तो एयर नहीं है, एयर तो नहीं है, यहां तो वैक्यूम है ऑलमोस्ट, इस जगह पे वैक्यूम है. तो यहां पे खाली मरकरी कॉलम का प्रेशर है. प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मरकरी एच जी कॉलम. बेटा मुझे पता है
ए पॉइंट पे उतना ही प्रेशर है जितना बी पॉइंट पे प्रेशर है। ए पे तो एटमॉस्फेयर एयर मॉलिक्यूल बॉम्बार्ड कर रहे हैं, बी पॉइंट एटमॉस्फेयर मरकरी के अंदर है, बी पॉइंट पे प्रेशर है। किस चीज का प्रेशर है? एटमॉस्फेयर नहीं है पुत्र, क्योंकि ऊपर तो एयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर प्रेशर तो एयर मॉलिक्यूल के से होते हैं, एयर तो हमने दफा दूर कर दिया, निकाल दिए। तो बेटा बी पॉइंट पे किस चीज का प्रेशर है? इस मरकरी की हाइट का प्रेशर है, इस मरकरी की हाइट का प्रेशर है। बी पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर है, ऑब्वियसली जो ए और बी इक्वल है, क्योंकि हमें पता है जब इक्विलिब्रियम होता है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है सेम फ्लूइड में। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम। ये बात क्लियर है? अब मरकरी कॉलम पे तो रोजियत लग सकता है पुत्र, मरकरी इट इज लिक्विड एंड लिक्विड पे हम रोजियत यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे मरकरी की डेंसिटी पता है और मुझे ये हाइट पता है, सी लेवल पे ये हाइट पता कितनी होती है? सी लेवल पे ये हाइट होती है ऑलमोस्ट 76 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? जितना मरकरी के समुंदर में 76 सेंटीमीटर डेप्थ पे प्रेशर होता है। अब मरकरी के समुंदर में डीप जाए कितना? 76 सेंटीमीटर डीप जाए। जितना मरकरी प्रेशर एक्सर्ट करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उतना ही होता है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम। कितना है मरकरी कॉलम? प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम, प्रेशर ऑफ मरकरी, प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर, प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम। आप इसको लिख सकते हो 760 मिलीमीटर एचजी कॉलम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के ऊपर। तो अगर मुझे पास्कल में चाहिए तो मैं लिख सकता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू मरकरी कॉलम का प्रेशर, उस पर लग सकते हैं रो जी एच। ये मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच के इक्वल नहीं है, मरकरी का प्रेशर बी पॉइंट के इक्वल है ना। तो बी पॉइंट पे तो रो जी एच लग सकता है ना, यहां पे ये लिक्विड के अंदर तो रो जी एच लग सकता है ना। तो मरकरी की डेंसिटी मुझे पता है कितनी है, 13,600 क्वेश्चन में गिवन होती है। जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 9.81 या 10 होती है, चले 10 ले लें। और ये कितनी होती है हाइट मीटर में चाहिए? 0.76। तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये 103 समथिंग आता है पास्कल्स। सर फर्स्ट डायग्राम में ओपन है या क्लोज्ड बचे मोशन? बेटा असल में ये क्लोज्ड होता है, मैंने आपको समझाने के लिए ओपन बनाया है, सुन लो मेरी बात। असल में कैसे बनता अभी बताता हूँ। तो पहले तो मैं समझा रहा था, मैंने कहा था डोंट राइट, अभी ना लिखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखना है आपने। बेटा ये क्लोज होता है, और कोई पूछ रहा था ट्यूब ब्रेक होगी कि नहीं होगी। बेटा कहां पे ब्रेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस है? जहां पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहां पे बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर मरकरी का प्रेशर है। तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस कम है, यहां पे कम है, यहां पे क्या है, यहां पे वैक्यूम है, अंदर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल प्रेशर। तो यहां से ट्यूब के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंस भी ज्यादा है। चलिए अभी हम बात करें आइडियल ट्यूब है जो टूटती नहीं है, तो रियल बैरोमीटर कैसे बनता है? अब रियल बैरोमीटर असल में ऐसे नहीं बनता, हम ऊपर से ओपनिंग नहीं होती, ऊपर से क्लोज होता है। ये समझाने के लिए बताया था आपको, असल बैरोमीटर कैसे बनता है बताता हूं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखते हैं इसको, नॉट राइट। मेरा टाइम कितना है? 34। अच्छा भाई, असल में बैरोमीटर कैसे होता है, कैसे बनता होगा, सुनिए प्लीज। हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग वैक्यूम पंप नहीं है जो अंदर से एयर निकाल देगा, तो हम ऐसे नहीं बनाते जैसे मैंने समझाया आपको। कैसे बनाते हैं? ऊपर से क्लोज होती है पाइप, ऐसे। सुनिए, मरकरी रिजर्वायर, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी, 1 मीटर क्या मतलब 100 सेंटीमीटर की ट्यूब है, मरकरी से भर देती है। अच्छा, अब क्या करता हूं, इसकी ओपनिंग को कवर करेंगे थंब पे ग्लव पहन के या किसी और तरीके से, मुझे नहीं पता कैसे बनता है। तो इसको कवर करके और इस ट्यूब को यहां पे इन्वर्ट कर देते हैं, इस ट्यूब को, द ट्यूब इज इन्वर्टेड इन द ट्रे लाइक दिस। इस ट्यूब को इसके कवर किया, इसकी ओपनिंग को कवर किया किसी चीज से, इसको इन्वर्ट किया और कवर हटा दिया। अब क्या है, जरा सुनिए गौर से प्लीज, अब सुनना है आपने। ए पॉइंट बी पॉइंट ये पूरा मरकरी से भरा हुआ है, ये ए पॉइंट है,
ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पॉइंट पे मर्करी कॉलम का प्रेशर है। सपोज ये जो कॉलम है ना, ये पता कितना रह गया, टोटल 100 सेंटीमीटर था ना, टोटल 100 था ना, 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो बाकी कितना रह गया, सपोज 90 सेंटीमीटर। अब प्रेशर एट ए इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्यों, ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो कितने मर्करी को सपोर्ट कर सकते हैं, 76 सेंटीमीटर। पता है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम के इक्वल होता है। यहां पे कितना मर्करी कॉलम, 90 सेंटीमीटर। तो प्रेशर एट ए बी इक्वल नहीं है, बल्कि प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी। सोचे क्यों भाई, ए पे कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितने मर्करी को सपोर्ट कर सकते हैं, 76 सेंटीमीटर। बी पॉइंट पे कितना प्रेशर है, 90 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम का प्रेशर है। तो ए पे 76 है, बी पे 90 है, तो बी पे हाई है ना ऑब्वियसली। तो अब क्या होगा, द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो मर्करी क्या करेगा, ट्यूब से निकल के ट्रे में आएगा, तो ट्यूब में मर्करी का लेवल कम होता जाएगा, तो मर्करी विल फ्लो आउट ऑफ द ट्यूब, मर्करी फ्लो आउट करेगा, यहां से निकलेगा, यूं आएगा, यूं आएगा, तो ऊपर लेवल कम होता जाएगा, जैसे जैसे मर्करी निकलता जाएगा लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो बी पॉइंट पे प्रेशर कम होता जाएगा, और जब यहां पे आके मर्करी रुक जाएगा, फाइनली मर्करी स्टॉप्स फ्लोइंग आउट, मर्करी रुक गया। कब रुकेगा बताओ, कब रुकेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, पहले 90 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था ना, फिर कम होता था, 88, 85, 80, 78, 76, यू आर राइट। तो क्या होगा, मर्करी आके रुक जाएगा, कब आके रुक जाएगा, यहां पे आके रुक जाएगा, और जब आप ये हाइट चेक करेंगे तो कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर। तो बेटा हम क्या करते हैं, मर्करी ट्रे लेते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब लेते हैं, लॉन्ग ट्यूब इज फुली फिल्ड विद मर्करी, इसकी ओपनिंग को कवर कर देते हैं, एंड द ट्यूब इज इन्वर्टेड इन द मर्करी ट्रे, सम ऑफ द मर्करी फ्लो आउट ऑफ द ट्यूब, flows out of the tube, and final level of mercury is shown in the diagram. Is it clear to you? Now, there is equilibrium. अब क्या हो गया? अब equal हो गया जरा। जितना flow कर रहा था कर लिया, रुक गया, further flow नहीं हो रहा, equilibrium आ गया। तो अब कह सकते हैं, pressure at A is equal to pressure at B. A पे कौन सा pressure है? Atmospheric pressure. B के कौन सा pressure है? Mercury column का pressure है। तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले मैं आपको लिखवाया नहीं था ना? तो ये आपने डायग्राम बना ली थी मेरे ख्याल से, साइट पे बनाई थी। क्या लिखा था हमने, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय मर्करी बैरोमीटर, हेडिंग आपने बैरोमीटर डाली और ये डायग्राम बना ली और लेबल कर लिया था इसको। अब इसके नीचे लिखिए 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद मर्करी। मैं आपको लिखाता हूं सारा कुछ, ये डायग्राम बनानी है, डायग्राम 1, डायग्राम 2, बट प्लीज फास्ट देखिए, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद मर्करी, एंड इट इज इन्वर्टेड इन अ मर्करी ट्रे एज शोन। 1 meter long tube is completely filled with mercury and it is inverted in mercury tray as shown. 1 meter long tube is completely filled with mercury and is inverted in a mercury tray as shown. So stop. Some of the mercury will flow out of the tube. Some of the mercury will flow out of the tube. Yeah. Some of the mercury will flow out of the tube. And the final levels of mercury are shown in the diagram. And
in final levels of mercury in tube and tray. In the final levels of mercury, some of the mercury will flow out of the tube. And the final levels of mercury in tube and tray are shown in diagram. Okay, we will measure the level to level height. The level say is level tak. Level to level. We will measure the level to level. Tray ka level or tube ka level ke. We will measure the level to level height. We will measure level, tray level and tube level. Level to level. Height. Known as height of mercury column. Known as height of mercury column. Known as height of mercury column. So strong. As there is equilibrium. As there is equilibrium, pressure at A is equal to pressure at B. Pressure at A is equal to pressure at B. As there is equilibrium, pressure at A is equal to pressure at B. So A becomes a pressure at atmospheric pressure. B becomes a pressure at pressure due. Pressure due to 76 centimeter of HG column. The atmospheric pressure kiske equal hai? 76 centimeter of mercury column. Sea level pe. Or now we can yes likhenge. Now we can use pehle pressure at A is equal to pressure at B. Same level hai na? A or B ka. एटमोस्फिर प्रेशर तो आप आगे लगाते हैं रो जी एच और वैल्यूज डाल देते हैं. मर्करी की डेंसिटी गिवन होती है ऑलमोस्ट 13,500 होती है 13,580 ये आपको एग्जाम में गिवन होगी. ये होती है जी के लिए होती है 9.81 ऑलमोस्ट. आप 10 ले लें आप 13,600 ले लें इसको 10 लेने को मैटर नहीं करता. और ये 76 सेंटीमीटर है ना उसको मीटर में चेंज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली ये जो टेढ़ा करके डाल रहा हूं ना इज इक्वल टू उसका होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100,000 पास्कल्स. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा ऑलमोस्ट 100,000 पास्कल्स. कॉपी कर ले प्लीज. जी जाओ जल्दी से सर हमने क्या पढ़ाया आज दिखते भी रहे हमने लिखा प्लीज साइंस पढ़ाए. हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हम हवा के समंदर की बॉटम पे रहते हैं हमें एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं वी आर अंडरगोइंग एक्सपीरियंसिंग ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फील क्यों नहीं होता इससे नहीं होता कि इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर इक्वल है. देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस देयर इज नो फोर्स. फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज प्रेशर डिफरेंस. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर नहीं कर सकते रो जी एच लगा के. क्या रीजन है डेंसिटी पता नहीं है डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है एयर कंप्रेसिबल है. जी की वैल्यू ऊपर जाते ही चेंज होती जाएगी. और हाइट एग्जैक्टली पता नहीं है कि एयर की कितनी हाइट है क्योंकि एयर का कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता फिक्स वॉल्यूम नहीं होता. तो हम क्या यूज करते हैं मर्करी बैरोमीटर. मर्करी बैरोमीटर में वही सीन होता है जो स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक का होता है. क्या होता है जी बेसिकली एक ट्रे लेते हैं एक ट्यूब लेते हैं इस ट्यूब को इन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ मर्करी निकलता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वैक्यूम आ जाता है. ऑलमोस्ट वैक्यूम क्योंकि कुछ मर्करी वेपर्स होते हैं यहाँ पे. तो अब हम कहते हैं मर्करी ने जितना नीचे आना था आ गया फ्लो रुक गया तो अब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. फ्लो रुक गया है ना इक्विलिब्रियम आ गया है ना तो ए और बी पे सेम प्रेशर है. ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बी पे मर्करी कॉलम का प्रेशर है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है
76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम के इक्वल है, और अगर आपने पास्कल में निकालना है तो रो जी एच लगा देंगे। ठीक है बेटा सर, साल उम्र 76 cm डबल स्पिनर। बेटा मर्करी ऊपर 90 तक भरा हुआ था ना, तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहां पे आके रुक गया, इससे फर्दर नीचे नहीं जा रहा मर्करी की ये जो है ना, मर्करी ऊपर से चला और यहां पे आके रुक गया, बस यहां पे आके रुक गया। यहां पे आके कब रुका होगा, जब इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो जब हमने ये हाइट मेजर की, कहीं पे आके रुक गया, हमने वो हाइट मेजर की सी लेवल पे, तो 76 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सी लेवल पे, जितना 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम का प्रेशर होता है, जितना 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम के, मर्करी के टैंक में आप 76 सेंटीमीटर डीप चले जाए वैक्यूम के अंदर, ऊपर वैक्यूम हो, तो उधर जितना प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही होता है, मर्करी के 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, क्योंकि ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पॉइंट पे उसकी इक्वल प्रेशर है, और बी पॉइंट पे कितनी हाइट का प्रेशर है 76। ये 76 खुद से हुई है, हमने नहीं की। आप सोचेंगे कल दोबारा, नेक्स्ट क्लास से, कल तो नहीं क्लास, मंडे को इंशाल्लाह दोबारा रिपीट कर दूंगा। थैंक यू बेटा।